हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे डेली जिस हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो। तो पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली विशाखा गाइडलाइन से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि विशाखा गाइडलाइन है वो किससे रिलेटेड है। तो आपके सामने चार स्टेटमेंट है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चाइल्ड लेबर, दूसरा है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तीसरा है गर्ल्स एजुकेशन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है वो है बी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। देखो विशाखा गाइडलाइन थी वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त की ऑर्डर के बाद इनको जारी किया गया था, ताकि जो भी वर्किंग एरियाज है या वर्किंग प्लेस है वहां पे वुमेन्स का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। इसके लिए बेसिकली गाइडलाइन जारी की गई थी। तो देखो अभी ये बेसिकली न्यूज में भी था, न्यूज में क्यों था वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी विशाखा गाइडलाइन न्यूज में इसलिए थी कि एक पीएल जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के बाद कि भाई देखो जो आपने ये वर्क प्लेस की बात की है ना, इसमें आप इनफॉर्मल सेक्टर को भी इंक्लूड करने की बात की गई है, कि इनफॉर्मल सेक्टर में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी इस विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत मतलब आना चाहिए। इसके साथ ही जैसे कि मदरसे हो गए, स्कूल वगैरह और भी जैसे जो एरियाज हो गए वहां पर भी अगर ऐसा कुछ होता है, या फिर जैसे मान लो कि कोई जैसे मठ वगैरह हो गया या फिर गुरुद्वारा हो गया, चर्च, जैसी भी कोई ऐसी जगह है वहां पर भी कोई इस तरह का हरासमेंट अगर सामने देखने को आता है। क्योंकि देखो आजकल काफी केसेस आते हैं कि जैसे बाबा राम भीम का, इस तरीके से आसाराम का काफी केसेस आए थे, तो उन सबके बाद बेसिकली ये पीआईएलओ जारी की गई है। तो हमें ध्यान में रखना है कि विशाखा गाइडलाइन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का वो है बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लेके। कंटेक्स्ट ही वो सॉरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिसेंटली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो इंडिया ने किसके साथ साइन किया है। तो अब आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, अब आपको बताना किसके साथ किया है। ऑप्शन है चाइना, जापान, रसिया और इसराइल। देखो ऑब्वियसली काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता कि अभी रिसेंटली इंडिया ने जापान के साथ मिलकर बेसिकली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो साइन किया है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो क्या है। देखो जो बेसिकली क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं वो या तो हमारी रिसेंटली डिस्कशन होती है पहले की उसके आधार पे होंगे, या फिर कुछ जगह करंट का टॉपिक है और उसकी मतलब स्लाइड्स वगैरह अगर आप इतना लगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि उसका बनाए कि एक तरीके से कुछ और बनाया जा सके, तो उसके आधार पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस है वो करते हैं और इससे हमारी प्रैक्टिस वो भी कंटिन्यू होती रहेगी। देखो बेसिकली जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक फायदा ये मिलता है कि हम यहाँ पे काफी सारी चीजों के बारे में जानते हैं, कि जैसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ, जैसे अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे जाना कि विशाखा गाइडलाइन थी वो किस रिलेटेड थी, क्यों ये बेसिकली स्टार्ट की गई थी और अभी मुद्दा क्या है, तो ऐसे में काफी सारी चीजों का पता चलता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एससीओ के बारे में। तो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट आपको कंसिडर करके बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एससीओ है वो एक ओनली यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बेसिकली चाइनीज। अब तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडिया है वो एससीओ का फाउंडर मेंबर है। तो अब आपको बताना है आराम से सोच के, और इसका आंसर आपको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसे काफी बार डिस्कस किया एससीओ को, तो इसके बारे में आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है एयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ रिपोर्ट के बारे में। देखो रिसेंटली ये रिपोर्ट न्यूज में थी और किसके द्वारा पब्लिश की गई है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा है WHO, तीसरा नीति आयोग, चौथा है IMF। तो अब आपको बताना है किसके द्वारा जारी की गई है। देखो ये जारी की गई थी WHO के द्वारा, हमने इसके बारे में एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि WHO ने कहा कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 100 में से 93 बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम एज की बात की जा रही है, यहाँ पे 93 बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो कि सांस लेने लायक नहीं है, तो उसके लिए खतरा बताया जा रहा था। तो उसके आधार पर रिपोर्ट काफी न्यूज में भी आई थी। नेक्स्ट जो हमारा आज आर्टिकल है उस पर चलते हैं। पहला आर्टिकल हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेके, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट। पहला जो आर्टिकल है वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेके। देखो आज के लिए बॉडी काफी न्यूज में है क्योंकि जब से सीबीआई पे करप्शन के आरोप लगे हैं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके पास अभी रिसेंटली पावर है, तो इसलिए बॉडी न्यूज में है तो हमें पता होना चाहिए। देखो बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तो बेसिकली एक स्टेचुअरी बॉडी है जो कि बनाई तो गई थी 1964 में। देखो 1964 में तो इसे बनाया गया था एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पे, और उसके बाद में सब 2003 में स्टेचुरी बॉडी का दर्जा है, मतलब एक बनाया गया पार्लियामेंट में और उसके बाद इसको स्टेचुरी का दर्जा है वो प्रदान किया गया है। तो अभी एक संवैधानिक बॉडी है या हम कह सकते हैं स्टेचुरी बॉडी है 2003 के एक्ट के तहत। अगर कोई पूछे कि कब बनी हुई है तो ध्यान रखना कि 1964 में बेसिकली बनी थी, कोई आजादी से पहले वाले नहीं बनी हुई है। अब जैसा कि हम बात करें, मैंने आपको बताया
कि 1964 में तो क्रिएट की गई थी, गवर्नमेंट ने एक तरीके से बिना किसी ऑर्डर वगैरह ऑर्डर डायरेक्टली पास किया था, कोई लॉ वगैरह नहीं बनाया था इसके लिए। इसके बाद में 2003 में पार्लियामेंट ने इसके लिए एक्ट बनाया और इसको स्टेचुरी का दर्जा दे दिया गया था। बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंदर या बोल सकते हो कि प्रशासन में जो भी करप्शन हो रहे हैं उनसे डील है वो करती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रशासन में कोई भी करप्शन हो रहा हो उससे डील करने का काम है वो बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो करती है। देखो आप ये बताइए कि सीबीआई और विजिलेंस कमीशन में डिफरेंस क्या हुआ सीवीसी में? देखो सीबीआई है ना वो किसी भी तरह की जांच कर सकती है, अगर मामला केवल करप्शन का हो ओनली करप्शन का तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उस पर काम करता है सीवीसी। बट अगर करप्शन के अलावा जैसे और भी आपको पता है कहीं से कोई हत्याकांड हो गया कोई और भी केसेस होते हैं तो उन केसेस में भी सीबीआई जांच कर सकती है। मतलब सीबीआई का दायरा काफी बड़ा है और सीवीसी का दायरा है वो काफी छोटा है। अब हम बात करें यहाँ पे आगे और इसके इफेक्ट के बारे में कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के जो हेड होते हैं जिसे हम बोलते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट तो करते हैं बट किसकी हेड और एडवाइस और वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली प्रेसिडेंट साहब को नाम सुझाया जाता है एक कमेटी के द्वारा। कमेटी में तीन मेंबर होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये ध्यान रखना कि लोकसभा में जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो बेसिकली और इसके साथ होम मिनिस्टर और इसके साथ प्रधानमंत्री तीनों मिलकर कमेटी होती है और वो कमेटी नाम डिसाइड करती है। उसके बाद में प्रेसिडेंट उस मेंबर को अपॉइंट है वो करते हैं। बात करें इसके कार्यकाल की तो कार्यकाल होता है 65 ईयर या फिर 4 साल। अगर 65 ईयर पहले हो गए एज की तो 65 ईयर, अदरवाइज 4 साल का इसका बिनती कार्यकाल है वो होता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात यहाँ पे की जा रही है तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लीज आप उनका आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ऐसे आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है ओरियन स्पेस क्राफ्ट को लेके। देखो बेसिकली ओरियन जो मिशन या स्पेस क्राफ्ट है ये बेसिकली नासा का एक मिशन है तो ये हमें ध्यान में रखना है। बट इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी काफी हेल्प सपोर्ट है वो कर रही है, क्योंकि जो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो स्पेस क्राफ्ट का जो मेनली इंजन वगैरह का जो काम है प्रोपेलर वगैरह हो गए ये सारे काम बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा डेवलप है या वो बनाए जा रहे हैं। तो अभी इसलिए न्यूज में आया है यूरोप की एक जो कंपनी है जिसका नाम है एयरबस उसके द्वारा भी इसका जो आप बोल सकते हो कि पावर हाउस वगैरह है वो इसको मतलब ट्रांसफर वो किए गए हैं। तो कंटेक्स्ट कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ओरियन स्पेस क्राफ्ट पता होना चाहिए कि है किसका, नासा का है। काम क्या होगा इसका, काम ये है कि भाई जो लोग हो या बोलते हो कि एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको बेसिकली स्पेस में लेके जाना, मून और इसके बाहर ले जाने के लिए बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे काम है वो चल रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट और ध्यान रखना है कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा, वो जो सिस्टम है या वो लॉन्च पैड वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको बेसिकली लॉन्च किया जाएगा यूएसए का एक इंजन है या बोल सकते यूएसए की रॉकेट है जिसका नाम है द स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो यह आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है वो है ये, तो इसके बारे में यूपीएससी फैक्ट पूछ सकती है। बाकी इतना कुछ ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है कुछ इस तरह का ये मॉडल है तो वो कुछ हमारे लिए काम करनी है। इसमें देखो बेसिकली काफी सारे टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है कि जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्पेस में लेके जाया जाएगा। इसके बाद में अगर कोई भी इंजन में खराबी होती है तो क्रू एस्केप जो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि अगर जैसे ही मान लो कि यान में आग लग गई तो जो स्पेस यात्री हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि वो बच जाएं और वापस उनको सही सलामत है वो धरती पे लाया जाएगा। इसके साथ ही और भी तरह के फीचर्स वगैरह इसमें है तो वो सब इतना हमें ध्यान में नहीं रखने। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो कंटेक्स्ट से पहले हम थोड़ा यूएनडीपी को डिस्कस कर लेते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है वो जाती है, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन से लिंक है इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली इसको बनाया गया था 1965 में, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि 1965 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। अब देखो बात करें इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जैसे आपको पता कि यूएन के बेसिकली 6 ऑर्गन है तो उनमें जो इकोसोक है बेसिकली जिसको बोलते हैं ईसीओएसओसी, इकोसोक बेसिकली इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक काउंसिल की बात यहाँ पे की जा रही है तो हम इकोसोक के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यूएनडीपी के बारे में। देखो ये बॉडी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे गरीबी और इसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली काम है वो करती है। और अहम बात क्या है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट का नाम को ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है और 1990 से ये रिपोर्ट वो कंटिन्यू हर साल पब्लिश है वो की जाती है। तो यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी न्यूज में रहती है रिपोर्ट और काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए भी हो जाती है।
तो ये ध्यान रखना कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा हर साल जारी की जाती है। और बेसिकली यूएनडीपी काम किस लिए करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाहे गरीबी बोल सकते हो या फिर इंसान को डेवलप करने के लिए जो भी तौर तरीके हैं उन पे बेसिकली काम करती है। इसके साथ ही जो कंट्रीज हैं उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं, बेसिकली आपको पता है कि 2030 तक जिनको अचीव करना है उन टारगेट को भी अचीव करवाने में काफी हेल्प है, उसके पॉलिसी वगैरह करवाने में, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाने में और भी तरह के सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है यूएनडीपी का काम क्या है। अब हम जानते हैं सिक्योर हिमालय के बारे में। देखो कंटेक्स्ट आपको बताऊं, कंटेक्स्ट ये था कि जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है वो इंडिया की जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है वो और इसी के साथ ही यूएनडीपी है, इन दोनों के द्वारा मिलकर चलाया गया है। 6 साल का बेसिकली प्रोजेक्ट है, लास्ट ईयर 2017 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट है वो किया गया था। अब देखो हिमालय की बात करें तो हिमालय तो बेसिकली काफी सारे स्टेट में मतलब फैला हुआ है, बट यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि बेसिकली सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है वो 4 स्टेट में ही है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। तो यह ध्यान रखना है 4 स्टेट के अंदर ही बेसिकली सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है वो दिया गया है। तो यूपीएससी 4 ऑप्शंस में नाम दे सकती है, फिर और भी नाम दे देगी, जैसे वेस्ट बंगाल दे देगी, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह इसमें इंक्लूड है वो नहीं है। है किस लिए, नाम से देखो थोड़ा पता चल रहा है कि हिमालय के अंदर चाहे जो भी बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे आप बात करें कि हिमालय के अंदर प्लांट हो या फिर बात करें हम एनिमल की हो, कोई भी तरह की स्पीसीज हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको और ज्यादा ढंग से ग्रोथ है वो होने दिया जाए। क्योंकि देखो आपको पता है कि ग्लेशियर लगातार पड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट का इफेक्ट वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हिमालय का इकोसिस्टम वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए हिमालय के अंदर जो भी प्लांट एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ध्यान में रखने के लिए बेसिकली 6 साल का प्रोजेक्ट है वो चला गया है। होगा क्या इसमें, जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल एरियाज है, उनकी हेल्प से बेसिकली जो ग्लोबल एरिया के लिए आप हो सकते ग्लोबल सिग्निफिकेंट की जो भी बायोडाइवर्सिटी होगी, चाहे जमीन हो मान लो आप उसको, या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज बोल सकते हो, इन सबको बेसिकली प्रोटेक्ट है वो किया जाएगा ताकि हिमालय का इकोसिस्टम है उसको बचाया जा सके। तो ये काम है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत। देखो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया था बेसिकली, तो आप ये बताइए कि स्नो लेपर्ड के लिए इंडिया में एक अभयारण्य भी बनाया गया है, वो कहाँ पे है, ये आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, तो ये थी। इसके अलावा हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एक बार हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने बेसिकली 4 इश्यूज के बारे में जाना है, पहला था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, इसके साथ ही हमने जाना नासा का जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है इसके बारे में, और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में फैक्ट हमने जाने, और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के हैं इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, और जो पीडीएफ है वो आपको देखो लिंक है यहाँ पे बता दूं मैं, इस लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड है वो कर सकते हो, तो यहाँ पे लिंक के थ्रू, या फिर आप टेलीग्राम के चैनल पे जाके वेलकम यूपीएससी के नाम से सर्च है वो कर सकते हो और वहाँ पे आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।